YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नवगठित मेदिनीनगर निगम क्षेत्र की वार्ड नंबर 6 में समस्याओं का अंबार है। यहां की सड़क व नालियां अव्यवस्थित है। इस पर लोगों में निवर्तमान वार्ड पार्षद मुन्ना नारायण के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। वार्डवासियों ने कहा कि सड़कों व गलियों में लगे गंदगी के अंबार व बजबजाती नालियों से राह चलना उनके लिए भारी मुश्किल का कार्य हो गया है। नमाज अदा को लेकर इन राहों से मस्जिद पहुंचना लोगों के लिए काफी कठिनाई भरा काम हो गया है। यह सब निवर्तमान वार्ड परिषद के निकम्मेपन को ही दर्शाता है। लोगों ने कहा कि वार्ड 6 में विकास की बात करने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में ही वे आगामी 16 अप्रैल को बटन दबाएंगे, अन्यथा नोटा विकल्प का करेंगे इस्तेमाल। और वही स्थिति है कि देख रहे हैं नाली रोड गचक रहा है। वोट के लिए आते तो हम लोग तो भाई देवी करेंगे, लेकिन कोई चीज़ तो फायदा होना ना चाहिए। नमाजी नमाज पढ़े जा रहे हैं इतना इतना पानी में, ये अच्छा बात है? एकदम मतलब जो है एकदम पूरा नाला डूब गया, यहाँ नाली में घर में पानी हिल जा रहा है, तो पानी है नहीं। और ये क्या इसको बोलते हैं बीमारी भी बोलते हैं? बीमारी मच्छर काट के बीमार लड़कन को कर दे रहा, मलेरिया पकड़ ले रहा, तो गरीब आदमी कैसे कराएगा? पैसा कहाँ से आएगा ठेला पर बेचे वाला आदमी को? क्या स्थिति है देख लीजिए, स्थिति यही है। इधर देखिए, हाँ पूरा नाली जाम है, पूरा रोड पर पानी है। क्या लगता है इससे बीमारी फैल रही है? बीमारी फैल रही है, कुछ वार्ड कमिश्नर कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या सोचे हैं इस बार? बार तो सोचे हैं कि हम दबे नहीं करेंगे वोट, मतलब वोट ही नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे सोचे हैं। क्योंकि लोग आ रहे हैं तो क्या लोग आ रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं देंगे किसी को वोट। ये देखिए यहाँ यह हाल है, पिछले 10 साल में कोई इसका हो भी नहीं किया है, काम है नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जो आ रहा है सुबह से आश्वासन लेके जा रहा है तो जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। खाली वोट लेना नहीं होगा 10 सालों से नहीं जी, पिछला 10 साल हो गया। और ये नरक में रहने का नरक में ऐसे हम लोग अपना 10 साल से हम लोग अपने से प्राइवेट से साफ करवाते हैं कभी, और बस ऐसा ही रहता है। बरसात में तो और हालत खराब हो जाता है, बरसात में तो यहाँ रहता है। यहाँ वार्ड पार्षद के वोट मांगने वाले जरा गौर से देखिए अपने वार्ड की हाल। पिछले 10 वर्षों से इस वार्ड की हालात नरक में तब्दील है। आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा और फिर से चुनाव के मैदान में वोट मांगने के लिए आते हैं। इस वार्ड की हालत यह है कि पैदल चलना तो मुश्किल है, बगल में मस्जिद है, नमाजी लोग भी इस रोड से जाते हैं और नाली सड़क एक जैसा महसूस हो रहा है। इस नाली की स्थिति यह है कि यहाँ से निकलने वाले मच्छर कई लोगों को बीमार भी कर दिया है, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रहेगा। आप वोट के लिए फिर से एक बार मैदान में हैं और कई लोग हैं जो वोट मांगने निकले हैं, लेकिन दुर्दशा इस वार्ड की है, या कह सकते वार्ड की हालात की जनता अब अपने वार्ड पार्षद के लिए जो वोट मांगने आ रहे हैं उनको अब सबक सिखाने का मन बनाया है। कई लोग हैं जो वोट देने के लिए भी कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देना तो मताधिकार करना तो अपना कह सकते हैं कि आपका अधिकार है, उसको न भूलें, लेकिन वोट ऐसे आदमी को दें जो आपके दुख सुख काम सफर बने और आपके वार्ड को सही दिशा और दशा दे सके। वार्ड की हालत बहुत जर्जर है, बहुत ही खराब है। नमाजिए तक से लेकर बच्चों को भी नली में पैर रख कर गुजरना पड़ता है, नली व सड़क लगभग एक जैसा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।